भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ होने के बाद अब दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ होने के बाद अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच पुणे और तीसरा टेस्ट मैच रांची में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज से पहले 26 सितंबर से विजयनगरम में बोट प्रेसिडेंट्स 11 और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिन का प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। प्रैक्टिस मैच में बोट प्रेसिडेंट 11 की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। बात अगर दोनों टीमों के बीच हुए अब तक के टेस्ट मैचों की करें तो इसमें दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 और दक्षिण अफ्रीका ने 15 मैच जीते हैं, साथ ही 10 मैच ड्रॉ रहे हैं। अगर बात टेस्ट सीरीज की करें तो दोनों देशों के बीच अब तक कुल 13 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं, जिसमें भारत ने 3 और दक्षिण अफ्रीका ने 7 टेस्ट सीरीज जीती है। इसके अलावा 3 टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही है। टेस्ट रैंकिंग में अभी भारत पहले और दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।